हेलो गाइस, मैं अफजल आपका भाई आपके साथ में। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी दुआ से मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो लोक आस्था का महापर्व छठ जैसे जैसे करीब हो रही है, वैसे वैसे प्रोसेस जो है बहुत ही स्पीड हो रही है। अभी हम लोग पहुंचे हैं राजा बाजार घाट पे, तो क्या कुछ तैयारी चल रही है घाट पे, वो आप जितना भी जहानाबाद का घाट है सब को तो बारी बारी से आपको दिखला ही रहे। तो चलिए आपको राजा बाजार वाली भी घाट दिखलाते हैं। अगर भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर ले, अगर फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो राजा बाजार वाली घाट का जो मलबा है वो निकाला जा रहा है जेसीबी के द्वारा से। कितने बल्क में यहाँ पे केला आया है और गाड़ी से उतर रही है, इसका भी प्रॉपर एक ब्लॉग आपको देंगे हम। और अभी फिलहाल घाट की ओर लेके चलते हैं आपको। ये पहले रोड नहीं था, अब रोड बन चुका है। और पहले जल जमाव यहाँ पर रहता था, अब जल जमाव का समस्या दूर हो चुका है जब से रोड बना। अभी हम लोग पहुंचे हैं फिलहाल संगम घाट पे। संगम घाट किस तरीके से यहाँ पे सौंदर्यीकरण की जा रही है नगर परिषद के द्वारा, क्योंकि छठ व्रती जो आएंगे उनको कोई तरह का दिक्कत ना हो भगवान भास्कर को अर्घ देने में। तो क्या कुछ अपडेट है वो तो अपडेट आपको दिखलाते ही रहते हैं। पानी को बंद किया गया है पैकेट डाल के, और किस तरीके से यहाँ पे नगर परिषद के द्वारा सफाई किया जा रहा, दो दो मशीनें लगा के इस गंदे पानी को निकाला जा रहा और उसके बाद फ्रेश पानी डाल दिया जाएगा। सी नगर परिषद पानी निकाल रही है गंदी, उसी बच्चे लोग जो है मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ मछली पकड़े भी है। देखिये देखिये मछली यहाँ पे देख सकते है कैसा है, छोटे छोटे मछली यहाँ पे है। बच्चे लोग मछली पकड़ करके यहाँ स्टोर कर रहे हैं और देख सकते हैं सब जिंदे मछली यहाँ पे है। तो नगर परिषद के द्वारा से यहाँ पे पूरी सफाई की प्रॉपर बंदोबस्त किया गया है। और घाट को ये देखा जाए तो जहानाबाद का संगम घाट जो है वो अहम रोल पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रश होती है, यहीं पे भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए लोग आते हैं। तो इसीलिए पूरे देखा जाए तो नगर परिषद का ध्यान संगम घाट पे है। तो नगर परिषद के द्वारा से यहाँ पे पैकेटेड बनाई गई है और इसके नगर नदी परिषद में रखी गई है कि छठ व्रती जो आएंगे उनके लिए कोई दिक्कत ना हो भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। तो क्या कुछ है अपडेट वो आपको हम दे रहे हैं। पिछले वाला तो आप ब्लॉग में देखा होंगे कि यहाँ पे मिथिला पेंटिंग के दिखलाए थे आपको, अभी फिर से नई मिथिला पेंटिंग बन चुकी है और बस मिथिला डिजाइन देनी है। और क्या कुछ है यहाँ पे छठ की पूरी वाइब आ रही है यहाँ पे वॉल पे, तो क्या कुछ है वो तो आपको दिखलाते ही रहते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो दो वाले के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। आपका भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।